दीन इस्लाम में मस्जिद बहुत कदर व मंजिलत और अहमियत की हामिल है, क्योंकि मस्जिद मुसलमानों के लिए एक इज्तिमागाह, मरकज और महवर के तौर पर जानी जाती है। मस्जिद की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनवरा की तरफ हिजरत फरमाई तो सबसे पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मस्जिद की तामीर थी। सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजिल्लाहुल अक्दस सिलसिला सरवरी कादरी के मौजूदा इमाम और मुर्शिद कामिल अकमल हैं। आपने तालिबान मौला की जाहरी और बातनी तरबियत और दुनिया भर में तरवीजो इशाते फक्र के लिए फक्र का एक मरकज कायम करने का इरादा फरमाया। इस मकसद की तकमील की खातिर आपने 12 रबीउल अव्वल 1439 हिजरी बामुताबिक 1 दिसंबर 2017 बरोज जुमतुल मुबारक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाबरकत मौका पर एक अजीमुश्शान मस्जिद और इससे मुल्हिका खानका की तामीर का ऐलान किया। ये ऐलान आपने अल्लाह तबारक व ताला के इस हुक्म के मुताबिक फरमाया जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाही मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी व अकामस सलाता व आतस ज़कता व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और नमाज कायम की और ज़कात दी और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरा। बस उम्मीद है कि यही लोग फलाह पाने वालों में से हैं। तमाम सूफिया कराम खास तौर पर मशायख सरवरी कादरी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत की तबा में मसाजिद तामीर की। सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजिल्लाहुल अक्दस ने न सिर्फ इस सुन्नत को जिंदा रखा बल्कि अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत की बिना पर मस्जिद का नाम सैयदाए कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा तुज़्ज़ाहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम मुबारक पर मस्जिद ज़ाहरा तजवीज़ किया। मस्जिद ज़ाहरा की तामीर के लिए सबसे पहला और मुश्किल मरहला इस अजीमुशान प्रोजेक्ट के लिए अतियात जमा करना था। इस नेक मकसद और अजीम सुन्नत नबवी की तकमील के लिए तमाम मुहिब्बीनों मुरीदीन से अतियात की अपील की गई। इसके बाद मस्जिद के लिए मुनासिब और बजट के मुताबिक जमीन की तलाश लाहौर के मजाफात में शुरू कर दी गई। बिलाखिर बिसियारे तलाश और दुश्वारियों के बाद मुल्तान रोड पर रंगीलपुर शरीफ के मजाफात में मस्जिद ज़ाहरा के लिए जमीन का इंतखाब किया गया। इस जगह की कीमत भी जमा करदा बजट से ज्यादा थी। इस जगह के इंतखाब में ये हिकमत पोशीदा थी कि इसके गिर्दो नवाह में कसीर गांव मौजूद हैं जिनमें हजारों लोग आबाद हैं, लेकिन कई किलोमीटर के अहाते में एक भी जामिया मस्जिद मौजूद नहीं। इब्तदाई मरहला में 29 कनाल अराजी खरीदी गई। ताहम मस्जिद के लिए मुंतखिब करदा जमीन के नवाह में कसीर अराजी मौजूद है। मुस्तकबिल में मस्जिद की तौसी के पेश नजर मजीद जमीन खरीदने का भी इरादा है। सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजिल्लाहुल अक्दस ने मस्जिद ज़ाहरा के तामीराती काम की निगरानी के लिए एक कमेटी कायम फरमाई। इस कमेटी में तामीराती काम की समझ बूझ रखने वाले अफराद को शामिल किया गया। कमेटी के मेंबरान ने मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मुल्क के नामवर और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हजरात से राबता किया ताकि मस्जिद का एक खूबसूरत और शानदार डिजाइन तैयार किया जा सके। कई हफ्तों की मुशावरत और तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक अजीम शान मस्जिद के लिए खूबसूरत डिजाइन मंजूर कर लिया गया।
डिजाइन की मंजूरी और इब्तदाई प्लानिंग के बाद सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िल्लाहुल अक्दस और साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तजा नजीब मज़िल्लाहुल अक्दस ने 10 जुलहज 1441 हिजरी व मुताबिक 1 अगस्त 2020 ईद उल अजहा के पुर मुसर्रत और मुबारक दिन अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद ज़हरा का संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर मुल्क के तूलो अर्ज से हजारों लोगों ने शिरकत की। चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूँ। मस्जिद ज़हरा का संगे बुनियाद रखने के बाद तामीर का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। तामीर के आगाज के लिए मुल्क के मारूफ और तजर्बाकार माहरीने तामीरात की खिदमात ली गई। मस्जिद के सैकड़ों साल क़याम, मजबूती और खूबसूरत डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए बुनियादों के लिए 70 फुट चौड़े और 150 फुट लंबे अहाते में 3 फुट तक जमीन की खुदाई की गई। इस काम के लिए खुदाई की 2 हैकल मशीनों का इस्तेमाल किया गया। खुदाई के बाद इस तवीलो अरीज अहाते को बेहतरीन कंक्रीट से भरकर मजबूत कर दिया गया। तजर्बाकार इंजीनियर्स की निगरानी में मस्जिद की बुनियादों में 60 ग्रेड के आला मेयार के 100 टन सरिये की एक मजबूत राफ्ट 2 तहों में बिछाई गई। राफ्ट की मजबूती को चेक करने के लिए मुल्क के नामवर इंजीनियर्स की एक दूसरी टीम की खिदमात ली गई ताकि किसी किस्म की खामी की गुंजाइश बाकी ना रहे। इंजीनियर्स की तज्जियाती रिपोर्ट के बाद राफ्ट में बेहतरीन सीमेंट, रेत और बजरी से तैयार करदा सैकड़ों टन क्लास ए कंक्रीट भर दिया गया जिसकी मजबूती 4000 PSI से ज्यादा है। ये तमाम काम सैकड़ों मजदूरों ने मिलकर अंजाम दिया। राफ्ट मुकम्मल करके इसके चारों अतराफ में 10 फुट की ऊंचाई तक कंक्रीट और सरिये की मजबूत रिटेनिंग वॉल तामीर की गई ताकि इस 70 फुट चौड़े 150 फुट लंबे और 10 फुट गहरे अहाते को बेहतरीन घसू से भरा जा सके। ट्रैक्टर ट्रालियों की मदद से इस तवीलो अरीज अहाते को भरा गया और घसू को तय दर तय बिछाकर इस पर रोड रोलर की मदद से बार बार दबाव डाला गया और इसकी कंप्रेशन 95% तक हासिल की गई ताकि जेरे जमीन किसी किस्म का कोई खला बाकी ना रहे। सतह जमीन से 12 फुट ऊंचा करने और कंप्रेशन के अमल के बाद इस पर सरिये का जाल बिछाकर इस पर कंक्रीट का मजबूत फर्श तैयार कर दिया गया। मस्जिद की बेस का काम मुकम्मल करने के बाद अगला मरहला मस्जिद के सुपर स्ट्रक्चर की तैयारी था जिसके लिए कंक्रीट और आला मेयार के सरिये की मदद से मजबूत सतून खड़े किए गए जिनकी तादाद 72 है। इन सतूनों को कंक्रीट के मजबूत बीम्स के साथ सपोर्ट दी गई। मस्जिद के इस सुपर स्ट्रक्चर की 18 फुट ऊंची छत तैयार की गई जो कि सतह जमीन से 28 फुट की ऊंचाई पर है। मस्जिद के चारों अतराफ में खूबसूरत बरामदे बनाए गए जिनकी चौड़ाई 15 फुट है। इन बरामदों में इंतहाई दिलकश मेहराबें तामीर की गई हैं जो फन्ने तामीर का मुंह बोलता सबूत हैं। दूर से देखने पर ही ये मंजर बहुत दिलकश महसूस होता है। इन मेहराबों के दरमियान कुरान गैलरी के सामने दाखली दरवाजे की सूरत में एक बड़ी मेहराब बनाई गई है।
खुश्क मचाया, जा फुलाते आई हो। जीवे मुर्शिद कामिल बाहु, जय बोटी लाई हो। हर मरहला नामवर इंजीनियर्स और माहिरीने तामीरात की जेरे निगरानी तय हुआ। इसके अलावा मस्जिद की तामीराती कमेटी भी हमा वक्त निगरानी के फराइज सरंजाम दे रही थी। सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िल्लाहुल अक्दस ने बनफसे नफीस मस्जिद जहरा के हफ्तावार दौरों में तामीर की कड़ी निगरानी की और हर मरहला को बारीक बीनी से जांच कर तामीराती कमेटी को इंतहाई मुफीद मशवरों से नवाजा। मस्जिद के इन बरामदों में मशरकी और मगरबी जानेब चार चार जबकि शुमाली और जनूबी अतराफ में दो दो खूबसूरत गुंबद तैयार किए गए हैं जिनकी कुल तादाद 12 है। इन गुंबदों की तैयारी के लिए भी खसूसी मुशावरत की गई और माहिर गुंबद साजों की खिदमात हासिल की गई। सतह जमीन से 10 फुट बुलंद होने की वजह से मस्जिद और खानकाह में आने वालों के लिए दाखिली दरवाजे की जानिब 150 फुट लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं जिनमें हर पायदान की चौड़ाई 2 फुट है। मशरकी बरामदे और सीढ़ियों के दरमियान 20 फुट का वसी सहन है जिसकी लंबाई 150 फुट है। इसी तरह सीढ़ियों को दो हिस्सों में तकसीम करके दरमियान में 15 फुट का सहन रखा गया है जो सीढ़ियों के तसलसल में इंतहाई खूबसूरत और दीदाजेब लगता है। इमारत के शुमाली और जनूबी हिस्से में भी कदरे छोटे पायदान वाली सीढ़ियां तामीर की गई हैं जो मस्जिद और खानकाह की खूबसूरती में बेहद इजाफा करती हैं। इन सीढ़ियों की तैयारी से कबल इनके नीचे बेहतरीन सरिया बिछाया गया है और इसको कंक्रीट की मदद से तैयार किया गया है। मस्जिद के मगरबी हिस्से में भी सतूनों और बीमों के साथ 13 इंच चौड़ी रिटेनिंग वॉल खड़ी की गई है जिसमें मट्टी भरकर इसको भी मगरबी बरामदे के साथ मिला दिया गया है। अगला मरहला मस्जिद के खूबसूरत और दीदाजेब मीनारों की तामीर था। मीनारों की कुल तादाद 8 है। मस्जिद के डिजाइन के हिसाब से मीनारों की तामीर के लिए भी इस काम के माहिरीन से राब्ता किया गया। अल्लाह की करम नवाजी और इन माहिरीन की दिन रात की मेहनत की बदौलत मीनारों की तामीर का मरहला भी बखूबी अंजाम पा गया। इन मीनारों की ऊंचाई तकरीबन 20 फुट है। मस्जिद का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होने पर दूर से ही मस्जिद दिखाई देती है। लहलहाते सरसब्ज खेतों के दरमियान शानो शौकत के साथ खड़ी मस्जिद जहरा का मंजर बहुत ही दीदाजेब है। गुज़श्ता बरस सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िल्लाहुल अक्दस और साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तजा नजीब मज़िल्लाहुल अक्दस ने ईदुल अजहा के रोज मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। आज अल्लाह ताला की करम नवाजी से एक साल में 10 सुलहज 1442 हिजरी ईदुल अजहा के मुबारक दिन तक मस्जिद और खानकाह का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तामीर के दूसरे मरहले में मस्जिद की तज़य्यीन और आराइश पर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह।